तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सअप का एक कमाल के फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं व्हाट्सअप का बहुत ही यूजफुल फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट कर दिया गया है। बहुत ही काम का फीचर है दोस्तों। ये फीचर उनके लिए है जैसे कि मेरे साथ तो हमेशा ही काम करेगा ये वाला फीचर। दोस्तों होता क्या है, हमें कुछ मैसेज ऐसे होते हैं या फिर बोल सकना है कि हमें किसी को व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, पता है हमें सिर्फ उसको एक ही बार करना है, उसके बाद हम उस पर कोई कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, ना ही हमारे जान पहचान वाला नंबर है, ये सिर्फ हमें एक ही बार करना है, फिर हम उसको कॉन्टैक्ट सेव करते थे, फिर जाके उसको मैसेज कर देते थे। बट एक बार कॉन्टैक्ट सेव हो गया तो हम उसको डिलीट करना भूल जाते थे। तो ये वाला जो फीचर है बहुत ही यूजफुल फीचर है, उसी से रिलेटेड है। क्या ये फीचर है, कहाँ मिलेगा, सब कुछ आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, अगर आप आईफोन यूजर है अपने आई स्टोर में चले जाना है और अपनी व्हाट्सअप ऐप को अपडेट कर लेना है। फिलहाल ये जो याला जो अपडेट है, ये जो फीचर है, बीटा यूजर के लिए आया है, फिर आने वाले टाइम पे सबको ये मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले जो बताने वाला हूँ, एक ही आपको चेंज बताने वाला हूँ मेन। दोस्तों अगर हमें किसी को व्हाट्सएप पे कुछ नया मैसेज भेजना हो या नए पर्सन को मैसेज भेजना हो जिसका कॉन्टैक्ट हमारे पास सेव नहीं है, तो हम क्या करते थे, पहले यहाँ पर प्लस आइकन पर जाएंगे, यहाँ पर न्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ गया था तो हम यहाँ पर नंबर सेव करते थे, फिर जाके उसको व्हाट्सएप पर सर्च करते थे, फिर जाके उसको हम मैसेज करते थे। या फिर एक और अल्टरनेट है शायद, वो भी बहुत कम लोगों को बताओ, उसमें क्या रहता था, हमें अपने अपने सेल्फ में ही, मतलब कि हम अपने आप को ही एक मैसेज करते थे, जैसे हम अपने आप को ही एक नंबर SMS करेंगे, उस SMS पे आप लिंक पे क्लिक करके वहाँ पर भी उसको मैसेज कर सकते थे। तो दो मेथड से आप WhatsApp पे किसी भी नए बंदे को मैसेज कर सकते हैं। बट एक और नया अपडेट आया है और वो बहुत ही कमाल का, तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ प्लस वाले आइकन पे। प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद जिस बंदे को आपको मैसेज करना है या जिस नंबर पे आपको मैसेज करना है, वो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको वो नंबर को यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही आप नंबर सर्च मारेंगे तो वहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा बगल में, आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट सेफ नहीं है तो भी बता रहा है, उसमें नीचे लिखा भी आएगा नॉट इन योर कॉन्टैक्ट। जो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है उनको भी आप डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज कर पाएंगे विदाउट नंबर सेव करें, आपको दिख रहा होगा सेम इस तरह का। ब्लर मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि वो नंबर विजिबल हो जाएगा, तो ब्लर इसलिए कर दिया है, बाकी आप डायरेक्टली यहाँ पर चैट क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पर चैट आउट कर पाएंगे विदाउट नंबर सेव करें। तो इस तरीके से वाला फीचर काम करता है, जो कि मुझे बहुत ही कमाल का लगा यार, बहुत यूजफुल फीचर लगा, क्योंकि ये मेरे साथ तो हमेशा होता था, हमें एक ही बार किसी को व्हाट्सअप पर मैसेज करना है बट हमें उसको बार बार उसके नंबर को सेव करना पड़ता था, फिर हम कॉन्टैक्ट में जाते थे, फिर जाकर उसको मैसेज करते थे, बहुत लंबी प्रोसेस होती थी और बाद में हम उसको व्हाट्सअप का नंबर डिलीट करना भूल जाते थे। बट अब इस मेथड से आप बहुत ही इजीली किसी को भी व्हाट्सअप पर मैसेज कर पाएंगे विदाउट नंबर सेव करें, और बहुत ही इजीली स्टेप के साथ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसके बाद व्हाट्सअप में क्या नए चेंजेस किए गए, यहाँ पर छोटे मोटे बहुत सारे चेंजेस किए गए। UI में देखेंगे प्लस का आइकन थोड़ा छोटा होता था, अब उसको बड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर स्टेटस पहले लास्ट में आता था, अब यहाँ पर कर दिया गया है। कम्युनिटी में भी बहुत सारे नए चेंजेस किए गए। ओवरऑल यहाँ पर इसका कुछ लेआउट भी यहाँ पर चेंज किया हुआ। बट आज का वीडियो सिर्फ उसी व्हाट्सअप के फीचर के बारे में था जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जिन लोगों को ये काम की वीडियो आपको लगता है कि वो नंबर बहुत ज़्यादा सेव करते हैं और बहुत ज़्यादा व्हाट्सअप पर मैसेज करते हैं, तो उनके लिए वाला वीडियो बहुत काम का होने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना।